Are you all settled down? Group one, where it is? Yes, sir. Group one. You are group one? Yes, sir. Your name? Ram Singh. आप क्यों नहीं सर्टिफिकेट में बैठे, क्या हो गया? टिकट दिखाने का ज्यादा शौक है क्या? नहीं सर, नहीं, आई थॉट ऑफ यू विश टू कम्युनिकेट विद द पर्सन विद द बैक. ये लीजिए, आई एम रीडिंग इट आउट. सौरभ, इब्राहिम, मुकेश, हर्षिता, राम सिंह, अवनीश, कितने लोग हैं यहाँ पे? ये लीजिए, जो एब्सेंट उसके आगे एक्सेंट मार्क करिएगा. आप ग्रुप टू, अनुराधा. ग्रुप थ्री, एंड दोज हु आर एब्सेंट टुडे जस्ट पुट एब्सेंट. ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, बेस ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन. यू आर एब्सेंट, यू आर नॉट एब्सेंट. हिंदी बात करते, अभी हम ये पहले बात बातें करते. ग्रुप सेवन, ग्रुप एट, आपके मेंबर्स हैं तो मैडम घोषित कर दिए, थोड़ा जी भूल बैठे. ग्रुप नाइन, ग्रुप नाइन, ग्रुप नाइन, दो ग्रुप टेन, एक्चुअली नाउ टेल मी दोज हु आर नॉट नॉन पार्टिसिपेंट, जो पिछली कक्षा में उपस्थित नहीं थे, आइए इधर आ जाइए. क्यों हर जगह बीच बीच में घुस गए आप लोग? इधर आइए, आप लोग सब एक साइड आ जाइए, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा इंटरैक्ट करना. गिव देम द चेयर, आप लोग प्लीज चेयर ले लीजिए. अब आप लोग बताइए कौन कौन किस किस ग्रुप में किधर है, मुझे लोकेशन क्लियर हो. ग्रुप सिक्स, ग्रुप सिक्स, ग्रुप एट, ग्रुप सिक्स. घूम जाइए सर, आप लोग मुझे तरीका बताओ. इफ आई वांट टू लर्न, इफ आई हैव टू कम्युनिकेट, हाउ कैन आई टॉक टू द बैक ऑफ अ पर्सन? एक दूसरे का चेहरा देख के बातें करना पसंद करते हो, पीठ देख करके? और अगर ऐसे करते हो तो दैट्स अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन. यू आई वांट टू लर्न. नाउ गेट डाउन वेयर वी एंडेड अप ऑन द लास्ट ओकेजन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रैंक द पर्सन हाउ दे आर गोइंग टू बी टेकन आउट. एम आई सपोज टू गिव यू द रिकॉल वर्जन? सबके पास अपनी अपनी केस स्टडी है, कहां निकाली? मुझे आपके पास दिखनी चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. अब आप लोग ये बताइए, एक लिखिए ग्रुप रैंकिंग, राइट? एंड नाउ रैंक विद द सजेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप. आई नीड टू हैव वन रैंकिंग ऑफ इवैक्यूएशन फ्रॉम द केव. Discuss with your members and group, give me that ranking. Last में लिखिए group ranking और पूरा बनाइए उसको. जो आपने मुझे ranking का chart दिया था, I gave it back to you. What all you have to do is write group ranking and rank them. और जो लोग नए आए हैं उन लोग को बता दे, हम लोग last time एक exercise कर रहे थे, ठीक है? तो exercise में हुआ ये था, एक तो हमने उन्हें आपको बहुत मिस किया, आप लोग आए नहीं थे, राइट? ऑन दिस नोट, अच्छा अच्छा नहीं, आई वॉज फ्री, मैं तो क्लास में आ जाता हूँ, नॉट अ इश्यू.
एक किलो है और ये आपको के रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट यू विल गेट टू नो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप इधर आ जाइए, बहुत से करते Thank you.
टीचर बनोगे ना?
3-4? 3-4-7. जो एब्सेंट है उनको जानकारी बताइए ना भूपेश. बट मुझे लगता है कि अगर वो बाहर आए तो वॉलंटियर के साथ जुड़ के और ग्रुप टू, ग्रुप टू, वेयर इज ग्रुप टू? ग्रुप टू, ग्रुप टू वॉलंटियर. ग्रुप थ्री, नाम बताइए मेंबर्स का. प्रदीप, गोविंद, वी आर लिटिल लाउडर. मुक्ता, मुक्ता, कृपा, कृपा. रैंकिंग प्लीज. प्रदीप, रैंकिंग कोई भी एक लीड आउट करिए. कौन है बेटा? प्रदीप की रैंकिंग बताइए क्या. कन्वर्ट कर, कन्वर्ट टू द नंबर. ग्रुप फोर, ग्रुप फोर, बैठो. वेयर इज ग्रुप फोर? Excuse me, group four. Group four. कौन है? एक शीट लेकर के आइए जल्दी से. बाकी लोग डिस्कशन करिए, एक लेकर जाओ. और आप लोग को क्या करना है, आप लोग इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद रैंक करिए किसको कैसे बाहर निकालेंगे. Group 5.
शीट लेकर के आइए, आप लोग के ब्रिंग योर शीट टू मी, रैंकिंग शीट ब्रिंग इट। सर एक्चुअली वी आर स्टिल डूइंग इट। ग्रुप सिक्स सर और खाली होता है।
lesser time. I am going to finish off with the exercise with delegating how to handle it. Alright. So I guess we all are in a position where we can learn from each other. Alright. If the time allows, then I will take up each and everybody. So shall we begin?
Group one, I have got your ranking, right? Ibrahim, why you have taken this particular pattern? 5, 4, 6, 7, 3, 1, 2. Sir, I think the one who is contributing more to the society should be preferred first. Okay. Like I have put Paul on the number one because he works as a medical search scientist and is. Just hold, hang on. I will appreciate if you don't resort to private conversation anymore. I guess I had provided you the ample opportunity to interact, to deal with your groups, isn't it? And still, if you want to have time, please let me know. I will give you a couple of moments to satisfy your thirst of communication. Else, I will continue with the discussion part and see. In the time to come, you guys may also conduct this exercise for your sessions. Okay? Am I allowed to move on now? Yes. Yeah. So, Paul is contributing more towards the society as he works as a medical research scientist and is recognized as an authority in cancer. And I think he is more required to. अगर वो नहीं होगा तो सोसाइटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई प्रेफर फॉर ऑन द नंबर वन. एंड देन सर उसका बचना इसलिए और भी जरूरी है. ये रैंकिंग इनकी है ना. यस सर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाना ही अच्छा लगता है. बाकी चीजें हम लोग अभी बात कर लेंगे. हर्षिता योर रैंकिंग. So 4, 5, 7, 6, 3, 2. It's with me. Why you have taken it a particular order? So almost same reason as she gave. But how come you have taken Amitabh first? How? I've taken Amitabh. I've taken Paul first. Sorry sir, my ranking is also 5, 4. It hardly makes any difference now. You don't have an opportunity. You have taken out Amitabh first. Okay. He is languishing outside. You cannot put him back. Galat aage bahar andar jao. Sir, because and we take it as a error. In all our exercises, error is bound to be there. Let me write it for you. The simplest equation which we write is y is equal to a plus bx. Isn't it? And this is a component which is always there. In stats, this part estimated value is always zero. Reason goes, we presume if we are doing it in iterations, मतलब एक के बाद एक प्रक्रिया को अगर हम बार बार करते जाएंगे तो कभी एरर पॉजिटिव होती है और कभी एरर नेगेटिव होती है. उसका समेशन क्या होता है? जीरो. इसलिए कभी भी किसी भी मॉडल में एरर टर्म दिखाया नहीं जाता. हाउएवर एरर इज बाउंड टू बी देयर. ऑलराइट, सो द वे शी हैज responded and now she is asking me correct karein. Nahi kar sakta. Abhi we are moving on. Yeah, next. Phir aapne 2 aur 1 mein bhi change kar diya hai. Aisa kyun? Tanya Hema mein. So change kar diya matlab? Tanya is coming out first. Hema is the last. So because I thought Hema is of least national importance. Okay, Hema is least national importance. Okay, fair enough. Ram. Yes sir. Ram ji ki sabse important ho gayi. Sir, ha Ram ji bata hi gayi. Hema ko isliye first number rakhte hain. According to us, to is mano hai. Last, awaaz nahi de rahi hai. Murmuring is not allowed. We have to communicate. Isn't it? Swanta Sukhai ki hum log yahan baatein nahi kar rahe hain. We are sharing the information with others. Let them all get your point. Speak little louder. Hema ko first number pe isliye rakhe hain hamara opinion mein ki jaise baat hai according to Aristo manav ek samajik prani hai. Yadi 10 ke beech mein ek prani aisa hai jo बहुत जल्दी उसको रेस्क्यू नहीं किया गया और उसकी डेथ हो सकती है,
तो इस वजह से उनके जो हेमा है उनके उनके पास 7 महीने का बच्चा है और इसलिए रेस्क्यू इसको करना फर्स्ट रखे। लेकिन वो तो गुफा में नहीं, गुफा से निकलेगी सर, यदि भीम चला गया तो बच्चे के देखभाल वाले। नहीं, दिस इज माय पॉइंट, आई एम एक्टिंग एज अ डेविल्स एडवोकेट। Right, I am playing the role of a devil's advocate. Yes, sir. I am going to crisscross your opinion. Yes, sir. So nothing personal about it. Haan ji. So sir, isliye inko nikalna isliye personal. See, my thought process forcing me to stop you or rather interrupt you. If a person who is leaving behind the 7-month-old kid and going for this kind of a research. You have got a point? No. But I think that she has a thing ka kehna hai. Inko bolne dijiye, ye bol sakte hain. Main ye keh raha hoon. Abhi hum group pe aayenge tab baat karenge. Let him prove his point. To sir, matlab isliye wo wahan pe pehle nikalna important hai kyunki ek 7 year matlab 7 month ka bachcha वो पूरा भविष्य अपना खो सकता है यदि उसकी मतलब मदर को ना निकला गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ये आता है पॉल इज नेशनल इंटरेस्ट क्योंकि सर इनका ज़्यादा योगदान है यदि वो बाहर आती है, क्योंकि आज के समय में सर कैंसर पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तमाम ग्लोबल वार्मिंग, तो सर ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई ओपिनियन इज सेकेंड, क्योंकि सर फर्स्ट तो इनको भी निकाला जा सकता है चले आगे बताइए। नेक्स्ट अवनीश सर, हेमा को रखने का मेरा काम, आप लोग प्लीज सुनिए सुनिए एक दूसरे की बातें, और अगर आपको जहां पे लगता है ऑब्जेक्ट करना वहां पे ऑब्जेक्ट भी करिएगा। लास्ट पहुंचेगा कैसे? See, if you have to handle your session and you are going to say, कम से बात नहीं हो रही है, who is going to handle you? You have to treat your class. And remember, please stop treating you as a student. Think and act like a budding teacher, simple as that. And you have to handle higher education. That's what we believe. So, be a little louder. Mic वगैरह हम लोग बाद में दे देंगे, अभी नहीं है। बोलो जोर से। सर, हेमा को मैंने। अरे हेमा, हमें अभी क्यों सुनाई दे रहा है? हेमा कर रहा है तुमसे। बोलिए। हेमा को सर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या बात है? अच्छा ठीक है, हो गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। नेक्स्ट सिक्स नंबर टू इसलिए अजमेर सिंह एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और उसका फैमिली में है जो बच्चे हैं दूसरा राष्ट्रीय स्कूल का और कुछ और भी तो है। जी सर, चलो आगे नेक्स्ट। और फिर सर उसके बाद मैंने दूसरी क्लास किसको रखा है? आज जो सिंह क्यों इसको भी सर उसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के रखा है कि उसके बच्चे हैं और वो एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, मतलब जिसके इसके बच्चे हैं उसको सबको आपने ऐड कर दिया है ऐसे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, जो नेक्स्ट है हमारा अमिताभ जैसे है तो वो सोशल वर्क कर रहा है उस बेसिस पे और आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन आया है। पांचवें नंबर पर मैंने रखा है सर कैंसर
एक पॉइंट है जिसकी तरह आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, हेमा एंड अमिताभ हमने मर्जी है भाई, हम कब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हम कब कह रहे हैं गलत है, हम तो सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं बिकॉज माई रोल इज अवर डेविल्स एडवोकेट राइट। मुकेश मुकेश इज एब्सेंट राइट राइट। और आपकी ग्रुप रैंकिंग है, आई एम रिपीटिंग प्लीज प्लीज वेरीफाई, 6, 7, 4, 5, 2, 1, 3 नो सर, 5, 4, 6, 7, 1, 2, 3 ओके ग्रुप टू बताइए योर रैंकिंग, अनुराधा प्लीज गो ऑन गो ऑन गो ऑन contribution. Yes, you are not giving any weightage to the, you know, she has got a 7-month old kid to be looked after. Sir, I tell you one thing, what's your name is Anuradha. Anuradha, I tell you one thing. Since long I have been conducting this exercise, right? But this is the funniest reply I have ever got. And the wittiest reply too. So my compliments to you. Amitabh to hai. Chaliye Divya, aap bataiye. Divya, please sit down, thank you. PhD भी कर सकती है She is also a recipient of award, I guess, huh? Plus, she was also working for social work. So that's why I put out her in second. Next. And third, Hema. Because, sir, this is an error. Because I had to keep her last. Ab nahi ho, sir. आपने अमिताभ से दूर कर दिया सर, बट जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा और भी वो अपने फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे।
एज अकॉर्डिंग टू अदर्स मेंबर इतना ज्यादा नहीं है टू द सोसाइटी और रिसर्च से रिलेटेड. एंड इन फोर्थ आई पुट सिक अजमेर बिकॉज ही टेक केयर ऑफ द लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट विच इज राइट नाउ अभी वो मिनरल वेल्थ पे प्रोजेक्ट या एक्सप्लोरेशन उनका हो रहा है तो वो भी एक सोशल वर्क के लिए सोशल कॉज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड फिफ्थ में आई मेंशन पॉल बिकॉज उनका जो क्योर है जो ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू कैंसर आई थिंक तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है फॉर द सोसाइटी. थर्ड आई मेंशन सिक्स्थ आई मेंशन जोशी तो वो भी एरर है बिकॉज उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है एज सच. एंड लास्ट में मैंने अमिताभ को रखा है बिकॉज इसमें मेंशन है कि ही इज अ बैकग्राउंड ऑफ आर्मी तो उनका जो लाइक जो उनका बैकग्राउंड है आर्मी का वो उनको पोटेंशियल देगा टू रिटेन इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन. तो दैट्स द प्रगति. तो मैंने फर्स्ट अजमेर को दिया है क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर इम्पोर्टेंस को देखते हुए उनका ज्यादा है प्रोजेक्ट्स भी उनके पेंडिंग है. और द सेकंड वन इज अहमद क्योंकि उनका भी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पर भी वर्क कर रहे हैं एंड ही इज द ओनली वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएटिंग द मेजर कॉन्ट्रैक्ट. एंड द थर्ड वन इज अमिताभ क्योंकि वो सोशल वर्क कर रहा है एंड He is helping a young youth people. So मैंने third अमिताभ को दिया है. Fourth is हेमा क्योंकि she is a mother of 7 months child की. और मैंने fifth में तान्या को रखा है क्योंकि she is young. She is also working for the social work with his father, with her father. And the sixth one is Joshi. क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है एंड इन्फ्लुएंस भी कर रहा है. एंड दी पॉल को मैंने सेवेंथ में रखा है क्योंकि अभी वो जिस हिसाब वो सफर कर रहा है इमोशनल डिफिकल्टी से. प्रगति आपकी रैंकिंग मेरे को बताइए फिर से जरा. यस सर. रैंकिंग सर फर्स्ट यू जस्ट गिव मी योर नंबर्स वॉलंटियर अकॉर्डिंग टू रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो रैंक आपने करी है ना. ओके फोर फाइव फोर तो सर वॉलंटियर के अकॉर्डिंग सर उसमें लिखा हुआ है हम लोगों ने रैंक मेंशन नहीं की. फर्स्ट अजमेर वॉलंटियर सिक्स नंबर बताइए बेटा मुझे आपकी जो बोल रहे हो आपने जो दिया दोनों में डिफरेंस. सिक्स सिक्स सेवन एंड देन फोर देन वन देन टू देन थ्री एंड देन फाइव. Okay. And Smriti, yes, your rank is 5, 4, 6, 3, 2, 1, 7. Yes, sir. Your version, please. Sir, firstly, सबसे ऊपर Paul को रखा था because he has developed a low cost treatment for cancer and yet most of the work is in his diary only, so वो it can be beneficial for the whole society. Secondly, Amitabh को रखा है is working with the youth. And youth congress में भी है ये जैसे कि young people here of the army also तो second उनको रखा था. अजमेर को third number पे मैंने रखा है sir यहाँ पे because he has been managing the project reports और यहाँ पे वो projects and deposits mineral deposit के लिए वो reports बना रहे हैं. third पे sir sorry इसके बाद मैंने जोशी को रखा है fourth number पे. I could have उनको और नीचे रख सकती थी मैंने नहीं रखा यहाँ पे यहाँ बिकॉज ही वाज़ अ इन्फ्लुएंसर और एस्ट्रोलॉजर. इसके बाद सर तान्या को रखा है शी इज 21 ईयर ओल्ड और वो सोशल वर्क भी कर रही है विद फादर्स मनी तो शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. इसके बाद सर देयर इज हेमा इनको भी सर मैं लास्ट में रख सकती थी बट इनको मैंने यहाँ पे रखा है बिकॉज ऑफ द टू चिल्ड्रन एंड द ओनली ग्रुप थ्री
प्रदीप गोविंद वैशाली निशि मुक्ता विभा प्रदीप हाँ प्रदीप जी बताइए सर आई हैव रैंक 5746213 मैंने सर पॉल को पहले नंबर पे लिया है ये क्योंकि वो एक सोशल सॉरी एक वो साइंटिस्ट है उनका रेलिवेंस सोसाइटी में ज्यादा है क्योंकि एक साइंटिस्ट को डेवलप करने के लिए हमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट और समय लगता है अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक सोशल वो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं बट वो क्योर भी हो सकते हैं तो मैंने उनको पहले पर रखा है और सेकेंड वन मैंने रखा है अहमद को अहमद जो कि जनरल मैनेजर हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनी में और उनका उनका उनके अंडर में 900 एम्प्लॉय काम कर रहा है करंटली तो हमने उनको सेकंड पे रखा है और थर्ड हमने रखा है अमिताभ को जो कि आर्मी एक्स आर्मी मैन है और वो उनका इकोनॉमी में भी एक रोल है और उनको एक कमेंडेबल उनको प्रशंसा मिली है और वो सोशल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी अब रन कर रहे हैं उनका इम्पोर्टेंस एज ए सोसाइटी ऊपर है तो उसके बाद हमने रखा है अजमेर को अजमेर एक बुला के कैमरा मैन को अजमेर जियोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं और इन्होंने एक मिनरल वेल्थ प्रोजेक्ट को अभी ऑपरेट कर रहे हैं तो इनका हमने उस रिगार्डिंग उनको एज ए सोसाइटी उनका रेलिवेंस सुपर है उसके बाद हमने रखा है तानिया को तानिया जो कि 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हैं और इनको मैंने ऊपर इसलिए रखा है अब अंशु को बोलो बेटा क्लास लेके फिर आता हूँ 10 मिनट में हाँ बताइए अभी तो मेरा इवैक्यूएशन हो जाता है कभी कभी हाँ सर शुरू से बता नहीं नहीं आप चालू ये बातें सुन रहा था लास्ट दो वाले बताइए आप सर मैंने तानिया को उसके बाद तानिया को लिया है वो 21 ईयर ओल्ड है और वो यंग है और वो एक एक एजुकेटेड है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो हमने तानिया को ऊपर रखा है उसके बाद हमने हेमा को लिया है तो हेमा को टू उनके दो बच्चे हैं और मैंने इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर रखा है और उसके लास्ट में हमने रखा है जोशी को जोशी जो कि 40 ईयर ओल्ड हैं और ये थियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों से इनका कनेक्शन है बट हमें इनका रेलिवेंस एज ए सोसाइटी उतना ऊपर नहीं लग रहा है उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है नेक्स्ट वन गोविंद सर फर्स्ट पे मैंने पावल को रखा है क्योंकि एज अ वो रिसर्च साइंटिस्ट वर्क कर चुके हैं और दूसरी बात वो कुछ इमोशनल डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे सेकंड नंबर पे मैंने रखा है अहमद को फर्स्ट पॉइंट ये है कि उनकी एज सबसे ज्यादा है और दूसरी बात वो बहुत सारे एक जनरल मैनेजर है पब्लिक सेक्टर कंपनी में और उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नेगोशिएट कर थर्ड पे मैंने रखा है अजमेर सिंह को जिनके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स चल रही हैं फोर्थ पे जोशी को रखा है क्योंकि थोड़ा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्फ्लुएंशियल उनके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं फिफ्थ पे मैंने तानिया को रखा है क्योंकि वो सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं और सोशल वर्क कर रही हैं तो सिक्स पे हेमा को रखा है क्योंकि एज अ मदर एंड सेवेंथ पे मैंने अमिताभ को रखा है एज आर्मी में है वो और कुछ यंग डिवोटिंग एनर्जी है उनके अंदर कुछ यंग पीपल को इन्फ्लुएंस नेक्स्ट वन सो मैंने फर्स्ट पोजीशन पे पॉल को रखा है वही कॉमन रीजन कि वो मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट है और उनको कुछ इमोशनल डिफिकल्टीज भी हैं इसलिए उनको फर्स्ट पोजीशन पे रखा है सेकंड पोजीशन पे मैंने अहमद को रखा है क्योंकि वो एक पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री में वर्किंग है और उनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं थर्ड पोजीशन पे मैंने हेमा को रखा है बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रेन बाद में रियलाइज हुआ कि शी कैन बी इन लास्ट मुक्ता बताया तो करिए बेटा आप लोग एक सेकंड या और सर फोर्थ पोजीशन पे मैंने अमिताभ को रखा है क्योंकि उसने कुछ नेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है और वो यूथ को हेल्प कर रहा है इसलिए उसको मैंने फोर्थ पोजीशन पे रखा है और फिर अजमेर सिंह को रखा है क्योंकि अजमेर सिंह बहुत सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और न्यू डिपॉजिट्स में डील कर रहे हैं और उसके बाद तानिया को
बिकॉज वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व है बट और उसके बाद लास्ट में जोशी. थैंक यू विभा. तो मैंने सबसे फर्स्ट पे अहमद को रखा है बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग जॉब्स फॉर मेनी पीपल एंड इज ऑल्सो वर्किंग एज इम्पोर्टिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो आई रैंक इट फर्स्ट. उसके बाद मैंने पॉल को रखा बिकॉज ही इज अ मेडिकल रिसर्च स्कॉलर एंड वर्किंग फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. आफ्टर दैट आई पुट ऑन पॉल. सॉरी सेकेंड पे अजमेर है बिकॉज ही इज वर्किंग एज एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल वेल्थ. आफ्टर दैट पॉल. पॉल के बाद है सेकेंड पे तान्या बिकॉज ही इज अ सोशल वर्कर एंड वर्किंग फॉर मेनी सोशल प्रोजेक्ट्स. तान्या के बाद अमिताभ. अमिताभ एक सिविलियन है और इसके पास काफी सारे यूथ को स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं. काफी सारे यूथ के लिए कहीं ना कहीं ये डिफरेंट बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद हेमा है. एंड योर ग्रुप रैंकिंग इज 5762143. नो सर. यस यस सोच लीजिए. यस सर. यस सर. 5762143. यस सर. थैंक यू. फॉर रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स राइट आई एम टेकिंग योर टाइम बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3 राइट. आई एम समिंग अप माय लेक्चर एंड यू गाइस मे परस्यू इट द वे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. See, the purpose here is, for example, if we happen to have 9 groups, right? These 9 groups may be taken as a 9 social groups, can be taken as a 9 organizations, can be taken as a 9 structures. Now, what we have to witness is how the group has performed, isn't it? When I'm looking at all the individuals, so in the first place, what we have done? We have converted all the names in a code. All the qualitative factors have been converted into quantitative units. We call it as a coding of data or creating data. When we are pursuing a research, here the topic of the research is cave rescue. Right? We happen to have all the names of Hema, Ajmer, Ahmed. So it's just not possible to talk about them. So what we have done, we have converted into the. So what we are having now, 5, 4, 6, 7, 3, 1, 2, right? For example, then in the group 1, we happen to have 4, 5, 7, 6, 3, 2, 1. Likewise, we happen to have all the members, they have got their own reasons. And we all are working in a, or behaving in the society or in the organization the way we have got our own thought process and ideologies. Agreed? Hamara behavior kis pe depend karta hai? Hamare value system pe. Hamare value system pe bahut si cheeze aisi hain jisko hum log bolte hain. Same exercise when I conducted with Western students, that is not from India, outside students. Their response system was far more liberal the way we happen to have this kind of feedback. Amitabh is there to look after. Isn't it? Nothing against it, but this is something which is strongly, you know, woven into our value system. बहुत चीजें ऐसी जो हमें अपील नहीं करती. अब क्या ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी हमारे ग्रुप से? ये भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं. हाँ. So what I have taken the mean. This is the mean value of all the responses. So if I go by mean value, it is 3, 5, 5, 6, 3, 4, 3. What does this mean? How the decision making in a particular group is taking place. Whether it's good, it is bad. Because mean stands for what? Average. We call it as a central tendency. Meaning thereby, if I am taking a decision, how closely or in a cohesive manner we are taking the decisions. So you know your group members, aapke ko sab support kar rahe the, ladai kar rahe the, ek dusre se differ kar rahe the. Kyunki ranking, jab bhi hum log individual se group pe jaate hain, what is happening? You can have a look at it. 5, 4, 1, 1, 3, 6. What I am having here? 5.
Ibra is dominating? Yes, sir. See, I'm not aware what happened in your group, but this is what the data is offering. So what we do in research? Qualitative information converted into the data. Now data is being analyzed, and what I am talking about? Inferences. Are you all with me? Yes. Forget about rest of the things. What we are taking the distilled thoughts. Food for thought. Kya ho raha hai? Kaise ho raha hai? So this is our analysis part. Second is your variance. Standard deviation stands for how far we have differed with each other. Now first point pe dekhiye kya ho raha hai. तीन मीन है और दो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बहुत ज्यादा है. आप देखते रहो 4, 1, 1, 3, 6. आ क्या रहा है? 5. किसने रैंकिंग दी? सिर्फ एक ने. एंड स्टिल आई एम गेटिंग 5. सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग ऑफर्ड बाय 3 इज योर मीन वैल्यू एंड 2 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. Are you getting my point or not? Yes, sir. आपकी मीन वैल्यू होने मतलब समझते हैं आप कि हम जितना ज्यादा डेटा को कॉन्सेंट्रेट करें. टोटल कितना? 7 लोग हैं या 6 लोग हैं? फुल काउंट कितना बनता है? 6 या 7, जितने भी आपके मेंबर्स हैं. Isn't it? And what I'm getting? I'm getting 3. और out of the 3, my standard deviation is 2. It is being reflected with 5 or not? Answer is yes. Go back home, just flip through your statistics book and look at the applied part. I am giving you the initial. We call it as a mean variance theorem, isn't it? Mean variance is always used to see how the data is distributed. आप जब एक दूसरे से बात करते हैं, आप किसी से कहते हैं ना कि ये मेरी ओपिनियन है, नॉट नेसेसरली सब आपको अग्री करेंगे. आपके ग्रुप में पहले आपने रैंकिंग करी, आसानी से कर लेंगे थे. जब ग्रुप रैंकिंग कर रहे थे तो सबसे अच्छा ग्रुप मुझे ग्रुप 2 लग रहा था, पीछे वाला ग्रुप है. एक दूसरे से जूझ भी रहे थे, अपनी बातें भी कह रहे थे, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे थे, फाइनली कहते अच्छा ये चीज ठीक है. फिर दो कहते ऐसा क्यों कर रहे हो? ऑलराइट, तो ये एक स्ट्रक्चर भी अगर हम मानते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेगी, इसको आप दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं. हमारे पास 9 ऑर्गेनाइजेशन सपोज करिए या 10-11 ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर. इफ आई आस्क यू विच वन इज द प्रोग्रेसिव वन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? जिसके पास स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम हो और मीन वैल्यू सबसे कम. फिर एक चीज आती है, लीडर कौन होगा? देन व्हाट वी हैव टू सी, लेट्स टेक द डेविएशन फ्रॉम द ग्रुप विथ इंडिविजुअल रैंकिंग. और जिसमें सबसे कम डेविएशन है, ऑलमोस्ट 0 है, दैट इज द लीडर. आई गेट योर पॉइंट? सपोज करिए जस्ट लुक एट दिस. कहां पे चेंजेस हैं? विजिबल नहीं है. इन्होंने लिखा हुआ ऊपर 5, 4, 6, 7, यहां पर लिखा हुआ 5, 4, 6, 7. इब्रा की रैंकिंग और ग्रुप की रैंकिंग आप देखो, राइट? फिर माइन्यूट चेंज होता है 3, 1, 2 एंड 1, 2, 3. व्हाट डज दिस मीन? शी इज हैविंग अ लीडरशिप पोजीशन, शी कैन लीड. झगड़ा हो रहा था? नहीं हो रहा था. अब आप लोग बताओ. नहीं हो रहा. सुनो, किसकी रहते आप लोग? सबकी सुन रहे थे, बट सबने अग्री किया. अग्री किया ना? हाँ. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लीडरशिप बोलेंगे. एक्सेप्टेबल लीडरशिप. एक्सेप्टेबल. कभी कभी बहुत डोमिनेटिंग भी होते हैं. अब टाइम ज्यादा होता तो आई वुड हैव टेकन ईच ग्रुप एंड वी वुड हैव
take it further, stretch it to greater extent. इससे आप बहुत कुछ बता सकते हो आपके ग्रुप के बारे में जिसके बारे में मुझे नहीं पता है. Right? This is my third class, I guess, and we cannot inter. I couldn't able to interact with each and everybody. But this is exactly what the data speaks. You look at all the information given with the rest of the groups and see what is happening. Here. अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं, एक सेकेंड, लेट मी इंप्रूव द when we convert qualitative information into quantitative. The entire 5, 6, 7. The range is 5, 6, 7. That's it. इसको कोई मतलब नहीं है डेटा को कि कौन आ रहा है, अहमद आ रहे हैं कि अमिताभ आ रहे हैं. उसको इससे मतलब है 5, 6, 7. Sum it up and what you are getting a mean value of 6. Group का भी 6. Are you getting point? And look at the deviation. One. Very low. 6 to 1. Group का cohesive decision है. Answer is yes. अभी आप लोग बताइए, आप लोगों ने ऐसे ही लिया था, क्या किया था? Let's move to second one. 2, 2, 7. Pragati. Yes, sir. And Karishma. अनुराधा, दिव्या एंड स्मृति. आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्यों चेंज की अपनी ओपिनियन? सो बिकॉज़ अहमद वाज लीडर, जब डिस्कशन किया तो वो बेटर कैंडिडेट लगा, इसलिए हम लोगों ने. तो पहले नहीं अच्छा लग रहा था? जस्ट बिकॉज़ उनका भी पर्सपेक्टिव अहमद जी ने सुना, बिकॉज आई इंडिविजुअली व्हाट आई डिड, मैंने उनका एज देख के उनको नीचे किया था. बट देन दे स्टार्टेड की, मतलब उन्होंने बोला कि वो मेजर नेगोशिएट कर रहा है. एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर रहे थे. अजमेर सिंह जो की काफी टफ प्रोजेक्ट करते हैं और फील्ड वर्क में जाते हैं. And the last third person will be Tanya. Since Tanya और जोशी के बीच में यहाँ पे सर डिबेट थी, क्योंकि
काफी लोग हैं ही फॉर 40 इयर्स एंड तानिया 21 इयर्स बट द थिंग इज ही तानिया विल बी ऑन बेस्ट वेट एंड शी इज यंगर शी कैन होल्ड ऑन द रोप जब हमारा फ्लोर भर रहा होगा विद वाटर दे थ्री ऑफ देम विल हैव टू सर्वाइव ऑन द रोप एंड द फर्स्ट पर्सन इन अ ग्रुप रैंकिंग इज आवर फिफ्थ पॉल क्योंकि सर यहाँ पे पॉइंट है ही इज मेंटली नॉट स्टेबल और ये लोग काफी टाइम से फंसे हुए हैं और अगर रेस्क्यू में इनको और टाइम देंगे तो ही विल नॉट बी गुड फॉर एवरीबडी अगर वो रोप में ऊपर है तो वो बाकी लोगों को पुश कर सकते हैं नीचे और अगर नीचे है तो नीचे ब्रांड कर सकते हैं सिंस ही इज नॉट फिजिकली मेंटली फिट तो सबसे पहले उनको निकालना चाहिए एंड द सेकेंड पर्सन यहाँ पे हमारी डिबेट रही अबाउट फर्स्ट एंड सेवेंथ पर्सन हेमा और एमर जी के बीच में द थिंग इज क्योंकि आपके पास एक छोटा बच्चा है तो ये आर्ग्यूमेंट है ऊपर वो आ रही थी बट द थिंग इज मेरी रैंकिंग में शी वॉज ऑन थर्ड क्योंकि उनका शी इज 30 इयर्स ओल्ड और वो ज्यादा बेटर तरीके से होल्ड कर सकती है रोप मगर अजमेर जी अगर नीचे एमर जी अगर नीचे छोड़े जाएंगे तो वो रोप होल्ड नहीं कर सकते और वाटर लेवल पे ही विल नॉट सर्वाइव तो ये एक और भी डेडली चीज है क्योंकि 4 to 5 people will be stuck with a dead body in that particular cave और लास्ट में से देखा जाता है जो बंदा सबसे लास्ट में आएगा तालियां इसलिए रखी गई ऊपर क्योंकि बाकी लोगों ने फिजिकली एंड मेंटली मेड फॉर दैट डिफिकल्ट सिचुएशन और तालियां आपको वो हेल्प करेंगे बीइंग द गर्ल शी विल नॉट बी सर्वाइव अलोन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर कि यहाँ पर जो ये सभी लोग जब जा रहे होंगे तो लास्ट में रेस्क्यू टाइम पे टीम भी थक चुकी होती है रेस्क्यू टीम और जो निकल रहे होते हैं तो जो आगे पर्सन है ही कैन पुश द फिफ्थ कैंडिडेट अजमेर सिंह और वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करके दे विल ऑल सर्वाइव ऑल टुगेदर वेरी गुड गुड नरेशन आई रियली अप्रिशिएट व्हाट्स योर नेम जिगिशा जी के लिए एक क्लैपिंग बनती है बहुत अच्छा अब आप जी बताइए आशीष जी की कितनी सुनी गई इस ग्रुप में आशीष जी की कितनी सुनी गई इस ग्रुप में पहले सबको पर्सपेक्टिव था कि एक बहुत ही ट्विस्ट है इस पूरे इवेंट की सबके सोशल स्टेटस और एथिकल ग्राउंड्स में सब लोगों ने डिसाइड किया कि हेमा इज दी लीस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन शी इज हैविंग अफेयर शी इज दो शी इज हैविंग द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट Yes. World has changed a lot. Yes. Also, the rescue thing I would like. Because Joshi ji's 11 children, so then we will survive. Karaiye. Karaiye. Just mangiye more. Yeah. Anji. Sir, her observation one point I really liked. She said that who will survive the most inside the cave. आप देखिए इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. When we are talking about. We are talking about if we have to create the organization. हम लोग इसको एक फर्दर भी नाम देते हैं एक आपका एमडी बेस्ड स्ट्रक्चर होता है एक सीईओ बेस्ड स्ट्रक्चर होता है एक हम कहते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी इट्स अ फैमिली ओन्ड बिजनेस इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी व्हिच इज बेस्ड मोर ऑन द फैक्ट्स लॉजिक्स एंड इन टोटैलिटी For the group, I'm not saying this is the exception in the group. Rest all they have moved on. And what is good about it? Acceptability of the decision. Very rare to come. Because I have rounded off. Had it not been rounded off, if I have taken the data to the four decimal places, toh aapko isme variation mil jata. Alright. So that's the way how we go for it. और इसको बहुत से पर्सपेक्टिव में बहुत टाइप से आप इंटरप्रेट कर सकते हो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम लीविंग एट योर फ्रीडम हाउ टू एक्सेप्ट इट हाउ टू ट्रीट इट एंड द सेम थिंग कैन बी टेकन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन डिफरेंट वे एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आई हैव यूज्ड इट हियर मेयरली टू कम्युनिकेट हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च हाउ टू थिंक अबाउट द रिसर्च एंड द सेम थिंग कुड हैव बीन डिस्क्रिप्टिव The information which I have given to you, it is descriptive. But who's going to buy it? But the moment you are going to have this kind of information and then you are talking about it, everybody is going to accept it. Because this is something which is backed by the data. And data is interpreted nicely. So meaning thereby, we are starting from the qualitative part, we are moving to the data, we are going for the quantitative analysis and then we are going back. To qualitative analysis and forecast or estimations.
So that's how we have to conduct the research. That's how we have to create our topic. And that's how we have to indulge. What? Getting the resources, sharing those resources. What you guys were doing? You're just sharing your resources with each other. This is it from my side. And jo log nahi aa paaye the, aap log please ko treat kariyega. Or had it been a, because this is a 5-6 hours process. ठीक है, तो पॉसिटिव ऑफ टाइम की वजह से मैं भी यहाँ पे रुक रहा हूँ. बट आई होप आई हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट व्हाट इज मेंट एंड व्हाट यू गाइस हैव टू डू.